नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट। बिजनौर में गन्ना समिति चुनाव के नामांकन में दाखिल पर्चे कैंसिल होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ता रात में गन्ना समिति कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर गलत तरीके से पर्चे कैंसिल करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, बिजनौर सहकारी गन्ना विकास समिति में चुनाव चल रहा है, जिसके पर्चे दाखिल हो चुके हैं। नामांकन पत्रों की आपत्ति और नामांकन पत्र निरस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर बिजनौर गन्ना विकास समिति में भागियों ने रात में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक उनका निस्तारण नहीं किया जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आप लोग सोसाइटी में धरना दे रहे थे, क्या मामला है? मामला यहाँ एक चुनाव का चल रहा है सोसाइटी में। सोसाइटी और जो मतलब किसान का जो तालमेल है वो हमेशा बना रहता है, वो किसानों की लड़ाई है भाई। यहाँ जो पर्चे कैंसिल करे गए चुनाव वाले, उनमें क्या रीजन रहा, क्यों पर्चे कैंसिल कर दिए? सरकार के दबाव में कैंसिल हो गए या लोकतंत्र की हत्या करने का इनका पूरा प्लान है? क्योंकि सरकार जो है वो हमें आपस में मतलब चुनाव तो कराना नहीं चाहती, वो चुनाव दबंगे से जीतना चाहती है। तो वो अपने पक्ष के जो पर्चे उन्होंने वो अपने कराकर दूसरों के निरस्त करा दिए। यहाँ कहीं किसी में रसीद के लिए मना कर दी, कहीं कह दिया फ्लूट लगा दिया, किसी के पेपर फाड़ कर फेंक दिए। तो इस तरीके से नहीं होने दिया जाने का। जिला बिजनौर है, यहाँ सभी लोग संघर्ष के साथ खड़े रहते हैं हमेशा, तो ये इनके साथ हम भी इन्हीं के साथ खड़े हैं। आप लोग आए थे, कोई अधिकारी आया, क्या आश्वासन दिया आपको अधिकारी? सुबह डीएम साहब से भी वार्ता हुई, डीएम साहब ने भी कहा कि भाई उसके जो इनकी जो मतलब क्या करना चाहिए, सुनो पहले एडीएम के लिए कहा उन्होंने कि स्पष्टीकरण देंगे वो कि क्या कमी रही हमारे फार्म में। तो वो फार्म में स्पष्टीकरण दे के चले गए, रसीद नहीं लगी। 100 रुपए वाली रसीद का क्या मतलब है? अगर रसीद नहीं लगी, कोई हमारा पहचान पत्र था, अनुमोदक वाली बात कर रहे हैं। अनुमोदक वाली बात है कि दोनों प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों एक जगह हो गए। मतलब इस तरीके से ये जबरदस्ती करने का काम कर रहे हैं। एक के लिए कर रहे हैं फ्लूट लगा दिया, फ्लूट किसने लगा दिया, अंदर लग के आया फ्लूट हमें नहीं पता। रसीद हमारी अंदर से गायब हुई है, क्योंकि हमारे पास किसी के पास भी ओरिजिनल रसीद नहीं है, सबके पास छाया प्रतिलिपि है। अब क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? भाई आश्वासन अभी तो कोई आश्वासन है नहीं, अभी तो जब तक संघर्ष कर रहे हैं यहाँ और करते रहेंगे जब तक इनके लिए लड़ाई के लिए। भाई ये लोग सब लोग खड़े हैं, हम इनके साथ ही। कुछ लोगों ने आपत्तियां लगाई थी, उन आपत्तियों का निस्तारण किया गया? आपत्तियों का निस्तारण भी कहाँ करा गया, कुछ नहीं। खाने पूर्ति कर दी सारी की सारी, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। इनका तो मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से अपने कैंडिडेटों को जिताना है, क्योंकि अब तो आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा कि गाँव में भी प्रत्याशी उतारे जाए करेंगे पार्टियों के। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।